गैज यदि मैं कहूं कि आप अपने घर बैठे ही किसी भी स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन को फॉरगेट पिन पेटर्न पासवर्ड को आप अनलॉक कर सकते हैं तो क्या आपको विश्वास होगा तो चलिए अगर विश्वास नहीं है तो इस वीडियो पर बने रहिए मैं आपको बिलीव बिलीव भी दूंगा और उसके बाद आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे किसी भी फॉरगेट पिन पेटर्न पासवर्ड को अनलॉक किया जाता है बिना सर्विस सेंटर गए हुए अगर आप इसी काम के लिए सर्विस सेंटर जाएंगे तो आपका तीन सौ चार सौ पाँच सौ रुपया पैसे तो खर्च होंगे ही आपका टाइम भी बर्बाद होगा जी हाँ तो इसी तरह से एक सोनू कुमार जी हैं जो एक कमेंट्स किए हुए हैं कि सर हमारा फ़ोन है जो यहाँ पे सर हमारा फोन में पैटर्न लॉक लग गया तो देख रहे हैं, सेम सेम कोड देख रहे हैं, सेम लॉक इस फोन में भी लगा हुआ है तो सोनू कुमार जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के हेल्प से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाइएगा वो भी घर बैठे हुए कहीं नहीं जाना है तो चलिए दोस्तों यहां पे स्टार्ट करते हैं बिना देरी की फटाफट तो फ्रेंड्स मेरा नाम है संजीत वर्मा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेंटेक इन्फो और आप ही आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अब वे लाइकन के भी प्रेस कर लीजिएगा यहां पे चलिए सिखाते हैं जैसे ही आप लॉक वाला इंटरफेस पे आओगे देख रहे हैं देख रहे ना मैं लॉक वाले इंटरफेस पे गया तो यहाँ पे पेटर लॉक मांग रहा है आपको एक ही ऑप्शन सर्च करना होगा इमरजेंसी कॉल देख रहे इमरजेंसी कॉल देख रहे हो सके आपके फ़ोन में यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ कहीं भी हो सकता है फिलहाल मेरे मेरे हैंडसेट में यहाँ पे देख रहे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देख रहे एक पेज ओपन हो गया जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल्स ऑनली का पेज देख रहे अब इस पेज पर आपको ये कोड देखिएगा ये कोड डाल करना है सिंगल और लास्ट कोड है स्टार हैज एट डबल नाइन और हैज जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये फ़ोन चला जाएगा आपका इंजीनियर मोड में अब देखिए यहाँ पे क्या करना है सॉफ्टवेयर वर्जन इसको क्लिक कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके हैंडसेट में जो आपके पास जो मोबाइल है उसमें एंड्रॉयड वर्ज़न कौन सा है अगर इलेवन है तो अच्छी बात है वेल एंड गुड अगर थोड़ा सा डिफरेंट है इट मीन्स एट नाइन टेन या फिर ट्वेल्व तो थोड़ा सा ट्रिक यहाँ से अलग है तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपके हैंडसेट में एंड्रॉयड वर्ज़न कौन सा है फिलहाल इलेवन है तो आपको नीचे में मिलेगा बेसबैंड वर्ज़न देख रहे हैं आपको इसी इसी पे आपको इलेवन टाइम्स क्लिक करना है जितना एंड्रॉय वर्ज़न रहेगा उतना ही टाइम्स बेस बैंड वर्ज़न पे क्लिक करना है तो चलिए आइए बेस बैंड वर्ज़न पे क्लिक करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन टाइम्स मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है इसको यहाँ से बैक कर देना है इसका काम ओवर हो गया ख़त्म हो गया है अब मेनुअल टेस्ट पे चल जाना है इस तरह से मैंने गया सबसे लास्ट में एक पेज मिलेगा जिसका नाम है अदर्श देख रहे अदर्श नाम का पेज जब मिलेगा तो आपको डेटा बेस वर्जन पे देख रहे डेटाबेस वर्जन आपको यहाँ पे फाइव टाइम्स क्लिक करना याद से याद कीजिएगा फाइव टाइम्स ये नहीं कि यहाँ पर ग्यारह बार ग्यारह बार यहाँ पर नहीं करना है यहाँ पर आपको फाइव टाइम्स क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब क्या करना है रीडिंग डिसेट कंप्लीट इंडिकेटर इसको देख लेना है कि आपके फ़ोन में पास है या फेल है जब इस तरह से पास मिलेगा तो इसको यहाँ से बैक कर देना है बैक कर देना है में पूरा बैक हो गया उसके बाद फिर से जाना है आपको मेनअल टेस्ट पे उसके बाद फिर से जाना है डिवाइस डबिंग पे अब आपको यहाँ पे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन है इसको क्लिक कीजिए ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है सीख लीजिएगा गौर से सुनिएगा देख रहे ऑपरेशन नॉट स्टार्ट मोड में देख रहे सेंसर ये दोनों सेंसर को इस तरह से पास कीजिए इस तरह से दोनों में से कोई एक टेस्ट पास करके आएगा आपका सेंसर नहीं आएगा तो फिर से ट्राई करना होगा यहाँ पे देख रहे दोनों सेंसर में से एक सेंसर पास हो गया देख रहे हैं इस सेंसर का नाम याद र... नाम याद रखिएगा जो देख रहे जारोस्कोप है ऊपर वाला एसलोमीटर है तो जारोस्कोप है तो यहाँ से बैक कीजिएगा और यहाँ पे देख रहे हैं सेंसर ऑफ से टेस्ट इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कि जैडोस्कोप सेंसर कहाँ पे है तो देख रहे जारोस्कोप सेंसर हमारा थर्ड पोजिशन पर देख रहे तो लास्ट का डिजिट देख रहे लास्ट का डिजिट सेवन है आपको क्रॉस चेक करना होगा कि आपसे सेंसर में कौन अगर इस असलरोमीटर पास होता तो हम इसको चेक करते हैं लेकिन हमारा जारोस्कोप सेंसर पास हुआ था तो लास्ट का डिजिट चेक करना है जितना हाँ जितना डिजिट रहेगा उतना ही टाइम्स सेंसर को क्लिक करना यानी सेवन है तो सेवन टाइम्स लास्ट का डिजिट तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टाइम्स क्लिक करने के बाद अब होम मेनू बटन को प्रेस कीजिएगा और देखिएगा कि ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा देख रहे फ्रेंड्स हमारा फ़ोन फिलहाल अनलॉक हो गया है सक्सेसफुली और बिना डेटा को डिलीट किए जाएगा देख रहे हम सर्विस सेंटर भी नहीं गए सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड के थ्रू इस फ़ोन को अनलॉक कर दिए हैं देख रहे हैं आपका पैसा भी बच गया तो फ्रेंड्स अगर आपका हो गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स कीजिए जैसे ही आप कमेंट करेंगे चौबीस घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई में सोल्यूशन मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं पाँच से दस मिनट में सोल्यूशन तो आप हमारे ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए हमारी टीम आपको विथ इन पाँच मिनट के अंदर में सोल्यूशन देगी रिप्लाई देगी